हेलो फ्रेंड्स, आपने प्रीति गैलरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे की न्यूज़ देखिए। तो कपिल देव को दिल का दौरा, आधी रात को एंजियोप्लास्टी। अभी आईसीयू में भर्ती है लेकिन उनकी हालात स्थिर है। और पंजाब के मुख्यमंत्री बेटे को ईडी का नोटिस। तो इसमें मैं दो खबरें बता रही हूँ, फिर दूसरी नहीं फटाफट आपको खबर बताऊँगी। तो आईसीयू में भर्ती है लेकिन हालात स्थिर है। भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के कारण दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कपिल की एंजियोप्लास्टी की गई है, अब उनकी स्थिति स्थिर है। अस्पताल में बताया कपिल देव 61 साल के दिल का दौरा पड़ने के बाद 22 से 30 अक्टूबर के दरमियान 1 बजे ओखला रोड स्थित फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया। जाँच की गई कि फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डायरेक्टर डॉक्टर अतुल माथुर ने आधी रात के वक्त कपिल देव की आपातकालीन एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी ब्लॉक हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया ताकि हृदय सामान्य रक्त संचार हो सके। अभी कपिल देव आईसीयू में भर्ती है और हालात स्थिर है, कुछ दिनों में डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री बेटे को ईडी का नोटिस। ईडी ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रमिंदर को विदेश में अवैध संपत्ति के मामले में नोटिस जारी तलब किया है। ईडी ने रणिंदर जालंधर कार्यालय में मंगलवार को पेश होने को कहा है। ईडी उनमें स्विट्जरलैंड में धन जमा करने, ब्रिटिश वर्जिन इंग्लैंड में ट्रस्ट बनाने के बारे में पूछताछ करेगा। इसे पंजाब में राजनीतिक चश्मे में देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कृषि कानून विशेष किसान आंदोलन चल रहा है, जिसका कांग्रेस अमरिंदर समर्थन कर रहे हैं। तो अभी टॉपिक दो और इसकी अगली न्यूज़ देखिए फटाफट, जिसमें 5:30 वाले में, जिसमें आपको शॉर्ट के अंदर सारे टॉपिक बताती हूँ। तो सुनिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड डे।